ये बहुत गहरी बात है कि हम अकीदे में मोहब्बत अल्लाह को एक मानने वाली कौम जादूगरों की दुकानों का सौदे के खरीदार। आगे चलते हैं, जादू कुरान ने हमें मेंशन किया, मैंने कहा लाजवाबी है, मत भूलिएगा ये एग्रीमेंट, जिसे शक है उसके लिए कुरान नहीं है, वो जाए पहले अपने इल्म को उस मकाम पर लाए कि कुरान के बारे में ईमान उसका बढ़े कि ये अल्लाह की बात है, जिसे शक है उसके लिए मेरी बात नहीं है, और जिसे यकीन है आगे चलते हैं। कुरान हमें मेंशन करता है जादू की हकीकत, इसलिए कि आपके बाद कोई कलाम नहीं है। जादू तीन तरह पर है और कुरान ने हमें तफसील से मेंशन किया। मैंने कहा ना ये हमारा जुर्म हो सकता है कि हमने ना पढ़ो, और दुनिया भी इसकी वही जारी करती है और हकीकत भी इसकी वही है, क्योंकि मेरे रब ने कहा हकीकत है। जादू इंग्लिश में इसे मैजिक कहते हैं, अरबी में इसे सहर कहते हैं, उर्दू में हम इसे जादू कहते हैं, पंजाबी में जादू कहते हैं, पश्तो में जादू कहते हैं, बाकी सारी बातें जो हमारे यहां बोली जाती है उसमें से हम जादू कहते हैं। जादू की तीन कैटेगरी है मैम बुनियादी, पहली कैटेगरी है ट्रिक मैजिक, शोबेबाजी। शोबेबाजी के दो शोबे पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, एक वो शोबा है जो आप एंजॉय कर रहे हैं, शो होते हैं पूरी दुनिया में, बड़े बड़े शो होते हैं जिसमें वो ऐसी हरकतें करते हैं जादूगर कि आप हैरान भी होते हो और मजा भी लेते हो, लड़की को काट देता है, आधा इधर कर देता है, आधा इधर कर देता है, लोग एंजॉय करते हैं, कोई उसे कत्ल का मुकदमा नहीं बनाता, लोग समझते हैं ये हमारी नजरों को धोखा दे रहे हैं, ट्रिक किया है, लोग एंजॉय करते हैं, वो खाली हाथों से फूल बना देता है, फूल निकाल देता है, गुलदस्ता बना देता है, पानी के गिलास इस तरह की बहुत सारी हरकतें करता है जिससे लोग एंजॉय करते हैं, बड़े बड़े पैसे वो लेता है और पैसों को सजाता है। मैजिक शो करने वाले पूरी दुनिया में सोसाइटी काम करती है मैजिक क्लब के नाम से, पाकिस्तान में भी बड़े बड़े होटलों और बड़े बड़े फंक्शनों में ये लोग बुलाए जाते हैं और बड़े पैसे लेके ये पूरा मेला लगाते हैं। मेरे मुराद से नहीं है, आपकी मुराद से नहीं है, मैजिक शो वालों में बात नहीं करने आया है, ये आप समझ लो दुनिया इसको एंजॉयमेंट करती है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ये किसी का ईमान नहीं लूटते, किसी का पैसा नहीं लूटते, किसी की इज्जत नहीं लूटते, ये अपना फन बेचते हैं और खुले आम बेचते हैं, लोगों को कहते हैं ये ट्रिक है, कोई इजाजत नहीं है, ये हमने आपसे छुपा के कुछ ऐसी चीजें बना के रखी हुई हैं कि जिसके जरिए से हम आपको धोखा दे देते हैं, बस शहर के माने धोखा दे देते, जादू की एक किस्म मैजिक ट्रिक मैजिक। एक इसमें दूसरा शोभा है जिस तरफ हम आ रहे हैं, जो हमारे यहां गाने से सजी है, उस शोबे में दो चीजें इन्वॉल्व हैं, एक है ये ध्यान में रखिए कि ये अब वो जादूगर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने हमारी राय बताई कि ये लोग क्या कह रहे हैं कि ये ऐसा अमल चल रहा है जिसके जरिए से नफा और नुकसान हो जाता है, इसके किए गए कार्ड नहीं है, इसके लिए काले इलम कार्ड कोई नहीं कर सकता। हमारे यहां बड़े बड़े हजार लाखों रुपए के अखबार और रिसालों में रोजाना करते हैं, हमारे लिए ये कार्ड कोई नहीं कर सकता, हर कार्ड का इलाज हमारे पास एक टेलीफोन पर करवाइए,
नीचे लिस्ट की होती है क्या क्या करवाइए, बच्चे को अपनी मर्जी का दाखला, नौकरी अपनी मर्जी की और खुराफात वाली सारी बातें मुझे नीचे ले लिए। मेरी बात मेरी मुराद ये जो दुकान है इससे जो सौदा ले रहे हैं उनसे दोनों से, दुकानदार से और सौदा लेने वाले खरीदार से है, जो आप भी हो सकते हो मैं भी हो सकता हूं, अपनी इस्लाह घर में बैठे हैं। इसके पास क्या है, ये क्या बेच रहा है, मेरे रब की ताकत या नऊज़ुबिल्लाह इतने ऐसा इलम हासिल कर लिया है कि मेरा रब के हाथों मजबूर हो गया है। ऐसी तो कोई बात नहीं है मेरे पास, तो फिर क्या है, जो कुछ किसी के पास है वो बातिल है। इसकी दुकान में जो कुछ होता है वो सब बातिल है और बातिल कभी कामयाब नहीं होगा। लेकिन अब समझना ये है कि वो बातिल क्या है, बातिल दो चीजें उसकी दुकान में रखी हैं वो चीजा, लेकिन जो जाहिर ये कर रहा है कि ये वो ऐसी ताकतों का मालिक है कि जो इतने चिल्ले काटे हैं, जो इतने अमलियात किए हैं, उनकी जरिए से ये चीजों का मालिक है, क्या वो देखे हुए बता देता है कि आपके क्या हुआ, बताता है और सही बताता है। लोग बेवकूफ ऐसे नहीं बनते हैं, आज के दौर के इंसान बड़ा अकलमंद है, लेकिन वो क्यों इसका शिकार होता है, उसके पास कोई सौदा तो है ना, बेशक वो सौदा बातिल है, लेकिन अकल इंसानी को तो माहौल करता है ना, क्योंकि सहारा है ना, धोखा तो दे रहा है ना, धोखा तो वो दे रहा है, हम वैसे ही उसके खरीदार नहीं बन गए। अब एक आदमी को मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं, ना नाम का पता है, ना उसके वाले का नाम, ना उसके कारोबार का पता, और मैं उसको देखे हुए क्यों मेरे सामने आया और मैं उसको कहूं अब आए हो, जब मुकदमे में आखिरी पेशियां हैं, अब बताओ उसका क्या हाल होगा, उन्हें देखे उन्हें बाबा बाबा पूछे।